नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए अपडेट लेकर आया हूँ। हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग जो जुमला आप सभी को दे रही थी उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए ये न्यूज़ लेकर आया हूँ। दोस्तों देखिए, मैं समय समय पर आपको सच्चाई बताना चाह रहा था और मैंने बताई भी आपको, तो बहुत से मेरे साथी थे कमेंट बॉक्स में गालियाँ भी देते थे कि सर आपको कुछ नहीं पता, आप वैसे ही बेकार हो, होंगे एग्जाम, होंगे 100% होंगे इलेक्शन से पहले। तो दोस्तों, अब सच्चाई आपके सामने है। मुझे पता था हरियाणा सरकार कोई ना कोई रीजंस बहाना जरूर बनाएगी, उसकी मंशा नहीं है एग्जाम लेने की, सिर्फ युवाओं को बरगलाने का काम हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग कर रही है। दूसरा, अब इलेक्शन टाइम है, फीस वगैरह कलेक्ट करना भी एक मोटो हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी सरकारें ऐसा करती, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है यही सोच थी जिसको लेकर बार बार कोरिजेंडम आते रहे और जो महीने का जो टाइम था हरियाणा सरकार के पास वो धीरे धीरे कर निकाल दिया गया है। अब डेट फिर से एक्सटेंड हुई है, क्या रीजन रहा है और क्यों डेट एक्सटेंड हुई है, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। क्या फ्यूचर हरियाणा की भर्तियों का रहने वाला और क्या सबसे बड़ा सवाल, जो है डेट एक्सटेंड हुई है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो युवा हैं उनको एज में छूट मिली है या नहीं मिली है, एक वीडियो तो ये रहने वाले। इस टॉपिक पर 2 से 3 अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा हूँ जिससे आप सभी के डाउट दूर हो जाएंगे। ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, चाहे हरियाणा पुलिस की भर्ती हो, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, पटवारी, जेई, सभी की डेट एक्सटेंड हो गई है। अभी हरियाणा पुलिस का ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन थोड़े बहुत समय में ऑफिशियल नोटिस हरियाणा पुलिस का भी डेट एक्सटेंड होने का आ सकता है, वेबसाइट थोड़ी बिजी चल रही है। दूसरा दोस्तों, अब मैं आपको वो ऑर्डर दिखा देता हूँ जिसकी वजह से ये डेट एक्सटेंड हुई है। देखिए दोस्तों, कोरिजेंडम है ये तो क्लर्क की पोस्ट के लिए है, जो जॉइंट एक नोटिस आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रहा, इसमें कोरिजेंडम है, पब्लिक नोटिस है, रेफरेंस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019। इसमें पोस्ट का नाम है दोस्तों, मैं आपको नाम बता देता हूँ, पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव, जूनियर इंजीनियर और क्लर्क, सभी की जो है डेट एक्सटेंड कर दी गई है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। और अब जो लास्ट डेट आपकी 26 अगस्त 2019 है, यानी कि 26 अगस्त 2019 से पहले कोई भी हरियाणा का एग्जाम नहीं होगा। ये बात तो आप मानोगे, इसमें तो मेरे हिसाब से आप नहीं कहोगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो। दूसरा, आपने HSSC के कुछ मेंबर्स का इंटरव्यू भी देखा होगा जिसमें वो कह रहे हैं, और ये सब जानते भी हैं भाई, 15 से 20 दिन का टाइम जो आपके फार्म आते हैं उनको अच्छे तरीके से सेग्रीगेशन करने में टाइम लगता है, 15 से 20 दिन का, कितने फार्म सही हैं, कितने गलत हैं, रिजेक्ट कितने, ओके कितने हैं। तो 15-20 दिन अगर मैं 26 तारीख में ऐड करूँ, तो 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया कि 10 तारीख से आचार संहिता लग रही है। तो अब शायद आपको यकीन हो गया होगा कि भाई हरियाणा के अंदर फार्म आपके जो एग्ज़ाम है वो नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं, रेलवे वगैरह के एग्जाम रेगुलरली होते रहेंगे। दूसरा दोस्तों, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले आपको बता दिया, चैनल सच्चाई बताने के लिए मैंने बनाया। अगर आप रेगुलर फॉलोअर है वो सभी जानते हैं, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी रेगुलर फॉलोअर है जिनको लगा कि मैंने सच्चाई वाली न्यूज आपको दी है, चैनल को ना दोस्तों इतना शेयर कर दीजिए कि ऊपर तक बात पहुंच जाए। दूसरा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, और वो भाई भी अपनी अंतरात्मा को आज टटोले जो लगातार गालियां कमेंट बॉक्स में लिखते थे, मैं इग्नोर करता गया, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। जो साथी रेगुलर व्यूवर है वो देखते भी होंगे कमेंट में, कुछ एक भाई के कमेंट भी आए कि सर जो गालियां देते हैं उनको देखिए। दूसरा, अब बात करते हैं भाई EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, देखिए इसमें ए करके डाला, अंडर सीरियल 2.1 अंडर द हेड रिलैक्सेशन इन एज पैरा वी इज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब है दोस्तों जो छूट गया था। देखिए दोस्तों, बात तो रिलैक्सेशन इन एज हुई है, किस कैटेगरी के लिए हुई है कोई क्लियरली मेंशन नहीं है। दूसरा दोस्तों, जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब EWS वालों को एज में छूट मिलेगी तो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार, सचिव हरियाणा सरकार ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस डालेंगे, ऐसा अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, तो ये बात क्लियर नहीं हुई है कि भाई EWS वालों को एज में छूट मिले। दूसरा, EWS वालों की छूट के रिगार्डिंग एक पॉइंट ये बना, दूसरा हरियाणा पुलिस का भी ऑर्डर नहीं आया। तो दोस्तों, बहुत ही ये पेचीदा मामला है, क्लियरली अब कोई अभी तक नहीं कह पा रहा है कि भाई EWS वालों के एज में छूट मिली है नहीं मिली है, लेकिन डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अब EWS वालों के एज में छूट मिलने के चांस और ज़्यादा बढ़ गए। आई होप, हो सकता है सुबह तक जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ऑर्डर भी जारी कर दें, आपकी मेहनत रंग लाई, जो 2-3 ग्रुप मेरे पास EWS वाले हैं, और अगर आपको लगा हो EWS वालों को मैंने आपकी किसी भी प्रकार से मदद की है, तो आप भी चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी मेरे को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा फ्यूचर में आपकी और हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों यही जो न्यूज़ अभी आ रही है कि भी सभी एग्ज़ाम्स, सभी जो फार्म थे आपके पोस्ट के लिए, उनकी सभी की डेट एक्सटेंड कर दी है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने। रिलैक्सेशन इन एज रीज़न दिया जा रहा है EWS को दी गई है या क्या रीज़न है ये मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, लेकिन सभी की डेट एक्सटेंड हो गई। अब वेबसाइट इतनी बिजी है क्योंकि सभी पब्लिक वहाँ पर आ गई है, वेबसाइट ओपन भी नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है, और इसलिए अभी हरियाणा पुलिस का नोटिस आ जाएगा। दूसरा दोस्तों मैं बता दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, 7-8 को लिंक ओपन होगा 10-2019 के लिए और 10-8 को बंद कर रहे हैं, 13-8 को 7-19 के लिए ओपन होगा, 16-8 को बंद कर रहे हैं। दोस्तों देखिए पूरा टाइम खा गए हैं आपका। आज डेट कितनी है, आज डेट है 2 अगस्त से, और 7 तारीख से ये लिंक ओपन कर रहे हैं और 14 तारीख को ये क्लोज कर रहे हैं फीस का, मतलब पूरा अगस्त का महीना भी ऐसे निकाल दिया। सितंबर में आपकी आचार संहिता लग रही है, आप खुद मेरा कहने का मतलब समझदार है, समझदार को इशारा काफी है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, रेगुलर अपडेट के लिए बने रहिए चैनल के साथ। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ऑन यूट्यूब चैनल MD2 Reader Publication। धन्यवाद।